हाँ जी वेलकम जी, आप सब का पंजाबी विच चैनल के उत्ते सब वीरां भैणां दा वीरगां दा बहुत बहुत स्वागत है जी। जिस तरह तुहानूं पता आपां तुहाडे वास्ते लैके आईआं खबरां ते लैके हाजर हां कुछ खास खबरां। गल करांगे आपां 23 जुलाई दी। सो वीडियो नूं शुरू तों लैके एंड तक पूरी देखियो तां कि सारी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है जी तुहानूं चंगी तरह पता लग जाए। जिहड़े अपने वीर पहली बार विजिट करदे चैनल नूं सारिआं दा मोस्ट वेलकम आ। जिन्हां ने पहिलां तों सबसक्राइब करके रख्या उहनां सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। स्टार्ट करदे हां जी अज्ज दी नवीं अपडेट्स। सब तो पहले भी अपनी अपडेट आ रही है जी ओलंपिक्स में लैके, जी ओलंपिक्स गेम्स जिहड़ियां कि जापान दे विच हुण जा रही हैं टोक्यो दे विच। फाइनली जिहड़ियां उह गेम्स जिहड़ियां जी स्टार्ट हो चुकियां आ ते फिलहाल कोई भी जिहड़ी इस वक्त नूं ब्लॉक नहीं करनियां गेम्स वालियां ते ओलंपिक्स जिहड़ियां आ उह जिहड़ियां जी स्टार्ट हो चुकियां आ। तो जिहड़ा स्टेडियम है जी उह बिल्कुल खाली रहेगा, स्टेडियम विच कोई भी बंदा नहीं आवेगा। इस तों इलावा पूरी दुनिया दे विच जिहड़े प्लेयर है हुण इस वक्त जिहड़े उत्थे जिहड़े आ पहुँच गए आ। तो इस तों बाद वीरो गल करिए अगली अपडेट की। जिदा कि तुहानू पता वीरो आपां तुहाडे चैनल दे अग्गे आपां इस चैनल दे उत्ते कई वीडियोस जिहड़ियां अपलोड कर चुके हैं ग्रीन पास नूं लैके ते काफ़ी इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल आपां जिहड़ी शेयर कर दित्ती है। ते जे तुसीं सवेर वाली वीडियो नहीं देखी उहदे आपां सारी इनफॉर्मेशन जिहड़ी ऑलरेडी दस चुके हैं ते कल शाम वाली वीडियो सी उहदे विच दस्सदा सीगा। ग्रीन पास जिहड़ा अज्ज जिदा कि तुहानू पता वी इस वक्त ओब्लीगेटोरी कर दित्ता जाणा इटली दे विच 6 अगस्त नूं। ते जिहड़ियां प्रेरणोत्त सेवनी जिहड़ियां आ जी पिछले 5 दिनां तों जिहड़ियां प्रेरणोत्त सेवनी ने किहड़ियां लोकी बुकिंग कराउंदे आ लोंबारदिया स्टेट दे विच वैक्सीन दी बुकिंग जिहड़ी आ जी उह हुण पहले नालों डबल हो गई है। तो लातसियो जिहड़ी है स्टेट उहदे विच वी जिहड़ा जिथे बुकिंग हुंदी जिस साइट दे उत्ते बुकिंग कराई जांदी आ उह जिहड़ा सारा जिहड़ा आ जी हैंग हो गया टिल्ट दे विच चले गया आ क्योंकि लोकी जिहड़े आ जी हुण इस वक्त जिहड़ी अपनी बुकिंग कराउण दी लोकां जिहड़ी आ हुण जिहड़ी आ काली पै गई है वी जेकर ग्रीन पास उहनूं नहीं मिलिया तो जिहड़े किसे पासे आउण जाण जोगे नहीं गे। सो इस करके ग्रीन पास दी जिहड़ी आ जी सारिआं नूं हुण काली है ते जिहड़ी इह जिहड़ी बुकिंग आ उह वी जिहड़ी आ डबल हो गई है पहले दे नालों। तो इस तों इलावा सोशल मीडिया उत्ते भी जिहड़ा आ जी काफ़ी इहदा एक आलोचना की जा रही है क्योंकि किसी बंदे ने जिहड़ी आ जी किसी नूं बंदे ने फोन लगाया आ स्टेट नूं अपना ग्रीन पास जिहड़ा कोहदे च हुंदा आ उह लैण वास्ते जिहड़े खतर तक उहनूं नहीं आया सीगा ते उस जदों उहने कोहदे च लैण वास्ते फोन कीता आ ते उत्थे जिहड़ा लिखिआ आ रिहा सीगा फोन दे उत्ते वी इस वक्त लाइन दे उत्ते जिहड़ा जी 1500 बंदिआं दी लाइन लगी हुई आ इस गल वास्ते ते तकरीबन 52 मिनट उह वेट करदा रिहा आ ते किसी नाल वी उहदा आंसर जिहड़ा नहीं गल्लबात हो पाई क्योंकि उस तो पहला 1500 जिहड़े उह 33 सीगे बंदे सीगे पहले जिहड़े लाइन ते लगे सीगे इस कोड अपने कोहदे च लैण वास्ते। ते इहदे करके इस तों इलावा कई जगह दे उत्ते जिहड़े आ जी धरने वी इटली विच जिहड़े लगाए जा रहे आ वख वख शहरां दे विच जिहड़े आ जी देखण नूं मिल रहे आ वी जिहड़े लोक आ जी सड़कां ते उतर रहे आ ते लोक जिहड़ी आ अपनी लिबरता नूं लै के जिहड़े काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके इटली दे विच क्योंकि ये जिहड़ी आ सीधा सीधा ग्रीन पास दा मतलब ये है वी जेकर सरकार तुहानूं ग्रीन पास ओब्लीगेटोरी करदी है तो हर बंदा जिहड़ा जी तंपूणे नहीं करा सकता अपने स्टूडेंट दे विच जाण वास्ते। सो जेकर तंपूणे तों बचना है तुहानूं वैक्सीन जिहड़ा लगाउणा पैणा ते हुण काफ़ी जिहड़े लोक ऐसे आ जिहड़े कह रहे वी असीं अपना वैक्सीन नहीं लगाउणा असीं नो वैक्स टीम नूं बिलोंग करदे हां ते उहनां दा जिहड़े हुण धरने लगा रहे आ। इस तों इलावा कई जिहड़े ऐसे जिहड़े इनफ्लुएंसर वगैरह आप कहिंदे जिहनां दी लोकी गल सुणदे आ ते उह जिहड़े अगे आ के स्टेजां उत्ते बोल रहे आ स्टेजां दे बोलण दे नाल काफ़ी जिहड़ा ऑडियंस आ उह जिहड़ा उहनां दे नाल इकट्ठा हो रहा है ते उह कह रहे वी सरकार जिहड़ी आ सानूं कई महीनियां तों जिहड़ी इस तरह जिहड़ी आ ट्रीट कर रही है जानवरां दी तरह साडी जिहड़ी प्राइवेसी आ सारी जिहड़ी आ खत्म हो रही है ते जिहड़ी नवां फैसला सरकार दा आया है इस फैसले दे असीं जिहड़ा खिलाफ़ आ ते इहदे असीं खिलाफ़ ही रहांगे। इस तों बाद वीरों गल करिए अगली अपडेट दी। अगली अपडेट अपनी आ रही हैगी आ जी सिचिलिया तों। सिचिलिया दे विच जिहड़े हालात आ सो जिहड़े बहुते चंगे नहीं हैगे। ज़ोन रूस जिहड़े उत्थे जी बना दिते गए आ ते इस वक्त जिहड़े टोटल ज़ोन रूस आ 6 जिहड़े आ रैड ज़ोन जिहड़े उत्थे जिहड़े आ बन चुके आ ते 29 जुलाई तक ज़ोन रूस जिहड़े आ 6 जिहड़े आ बने रहने आ ते इस वक्त यही जिहड़ी स्टेट आ सिचिलिया जिहदे विच सब तों वध जिहड़े ज़ोन रूस आ पूरे इटली दे जिहड़े विच आ बनाए गए आ। इस तों इलावा गल करिए अगली अपडेट दी। अगली अपडेट अपनी हैगी है जी ग्रीन पास नूं ही लैके आ। ब्रेशा दे विच जिहड़े इंसनियांती यानी कि जिहड़े टीचर आ उहनां वास्ते भी जिहड़ा ग्रीन पास जिहड़ा आ उहनां नूं भी दित्ता जाएगा ते टीचर भी फिर स्कूल दे विच एंट्री लै पैणगे जिहनूं ग्रीन पास होवेगा। इस तों इलावा बाकी सितंबर दे विच जिहड़ी आ जी स्कूल जिहड़े आ खोल दित्ते जाणे आ ब्रेशा दे विच उहनां ने जिहड़ा आ अपने जिहड़ा आ उह जारी कर दित्ता आ फॉर्मेट वी सितंबर दे विच असीं स्कूल जिहड़े आ ब्रेशा दे विच ओपन कर देणे आ। इस तों बाद गल करिए अपनी अगली अपडेट दी जिहड़ी कि आ रही हैगी जी ब्रूसा फिरो तों। जिहड़े ब्रूसा फिरो आ जी जिहड़े अपने प्रेसीडेंट आ जिहड़े इंस्टीट्यूट सुपरियोर दी संहिता दे सिल्वी ब्रूसा फिरो इहनां वल्लों जी एक इंपोर्टेंट जिहड़ी अपडेट दित्ती गई है क्योंकि अज्ज शुक्रवार है ते शुक्रवार दी शुक्रवार हर वीक जिहड़ा आ जी नवां जिहड़ा आ मोनीटर अज आउंदा आ मोनीटर अज मतलब वी नवीं जिहड़ी रिपोर्ट जिहड़ी आ जी आउंदी है ते जिहड़ी हुण नवीं रिपोर्ट आई है उहदे विच जिहड़ा पता लग्गा है वी जिहड़ा अपना आरटी लैवल आ इटली दा उह जिहड़ा आ जी 1.55 ते जिहड़ा आ पहुँच गया आ। यदा मीनस ये आ जो आरटी लैवल अपना काफ़ी आ जो वध गया इटली का
पहला यह जीरो तो एक तो जो थले 0.90 0.70 तक आ गया सगा जो कि बहुत वधिया सी। हुण जो आर टी लैवल है अपना 1.55 तो जो चले गया जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब है। इस तो अलावा एक बैड न्यूज़ ये है भी जी उम्र है जी वो जी लोगों की घट रही है, जिहड़े लोग जो जी उम्र लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं वो उम्र जी लोगों की घट रही है। इस वक्त जिहड़े लोगों की उम्र 55 साल आ सब तो वध बंदे वो आ 55 साल वाले आ जिन्हां की इस वक्त जी 3035 सेवा दे विच रखा जा रहा है। 3035 सेवा मतलब आई सी यू दे विच रखा जा रहा। इस तो अलावा बाकी जिहड़े इस वक्त सब तो वध बंदे बीमार हो रहे हैं जी उन्हां दी उम्र जी 25 साल के करीब है। 20-25 साल जिहड़े वाले जिहड़े मुंडे कुड़ियां आ इन्हां दी जिहड़ी सब तो वध इन्हां नूं इनफेक्शन जिहड़ी आ कोविड दे नाल हो रही है। तो उन्होंने कहा है भी जिहड़ा काफ़ी खतरनाक काम हो सकता आने वाले समय दे विच जेकर अपने बच्चों ने वैक्सीन ना लवाए। इस तो बाद गल करिए भी आप अगली अपडेट की जी है वैक्सीन लैके आ एमा जी एजेंसी है जी अपनी उन्होंने वालों जो मोडरना का वैक्सीन जोड़ा आ अपरूवड कर दिता गया आ जिन्ह बच्चों की उम्र जी 12 साल तो लैके 17 साल के आँदी है। इन्होंने बच्चों के पहले सिर्फ फाइजर वैक्सीन ही अपरूवड किया गया सगा पर हूँ जोड़ा जी मोडरना वैक्सीन है वह भी इन्होंने वास्ते अपरूवड कर दिता गया। फाइजर इन्होंने जोड़े आ मोडरना भी हूँ जोड़ा लग सकता है। इस तो बाद भीरों गल करिए मैड्रिड की, मैड्रिड जी स्पेन की जी राजधानी है ये जो केस है जी हम बहुत ज़्यादा जोड़े वध गए हैं तो एक हफ्ते के जोड़े केस है ये केस की गिनती जी जी 90% तक जी वध गई है। तो जोड़े केस लगातार जोड़े आने वाले समय में जोड़े उ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भी होर ज़्यादा अपने बढ़ने हैं तो हालात जोड़े इस वक्त जो जोड़े खराब चल रहे हैं। तो इस तो बाद गल करिए डिस्कोटेके की जी डिस्को वगैरह की जो नवा देख रहे तो सरकार का आया जिसके बारे आप तुम्हें अपडेट दे चुके सेंगे कल शामी ही सब तो पहला तो अच्छ सवेरे भी तुम्हें आप होर अपडेट देती है वो भी दसया गया भी डिस्को जोड़े आज वो जोड़े आ बंद कर दते गए हैं वो हले नहीं खोलने। तो जी डिस्को के मालिक आ जी जसतोरी आ उन्होंने काफ़ी परेशानी हो रही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो ऑलरेडी हो चुका है तो आने वाले समय में नुकसान उनका होर वध हो सकता। इस करके उन्होंने जोड़ा आ ये गल जी जी टी ए आर होंगी टार जी होंगी इतने की उस दे जाके जोड़ा जी उन्होंने जोड़ा ये जी गल अपनी रखी है उन्होंने दसिया भी जोड़ा इतने जोड़े सा जो तुम जो कम देख रहे होता आ सा बहुत नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने वालों एक जोड़ा एक उन्होंने बयान दिता आ तो विवाद उन्होंने इस गल तो बयान इस गल तो उन्होंने कहा भी जोड़ा नवा डी पी सी एम है जोड़ा आया आ ये जोड़ा जिस जगह के उत्ते लिखा गया भी जोड़े लोकाली जोड़े है जी डिस्कोटेके बंद रहेंगे उस चीज़ में जोड़ा खत्म किया जाए उस चीज़ में जोड़ा कैंसल किया जाए भी वह जी अनुलामेंट तो की जाए उस जगह की तो वो जगह लिखा जाए जो जसतोरी जोड़े आने डिस्कोटेके जो खोल सकते हैं। तो यानी कि एक हिसाब उन्होंने कहा भी जो डी पी एम सरकार लैके आई है असं वो सहमत नहीं है सा डिस्कोटेके ने बंद किए आ वो जी सरकार उ चेंज किया जाए तो साड़ी जगह उ लिखा जाए डिस्कोटेके असं खोलना चाहती है सरकार ये लिखे सो एक हिसाब सरकार के उत्ते जी ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तो बाद भी गल करिए अगली अपडेट की जेकर जे नवे रूल जेकर ना बनते इटली दे जोड़े पुराने रूल के हिसाब के नाल ऑलरेडी अपन जिहड़ियां चार स्टेट सीगियां इटली दियां वो जिहड़ियां येलो जोन दे विच कन्वर्ट कर दित्तियां जाणियां सीगियां पर नवे रूल आने के कारण जिहड़ियां स्टेट्स हुण येलो जोन दे विच नहीं जाणगियां। सरदेनिया वेनेतो लाज़ियो सिसिलिया ऑलरेडी येलो जोन दे विच हैं इस वक्त जिहड़े हालात आ वो येलो जोन वाले इन्हां दे पर फिलहाल इस वक्त इन्हों के जोड़े ऐसी प्रॉब्लम नहीं गई सो इस करके नहीं चेंज किए जाने कलर। इस तो बाद भी गल करी इंडोनेशिया की इंडोनेशिया के सब तो वह बंदा मरिया या रिकॉर्ड बनया उ 1556 बंद की मौत हुई है पिछले 24 घंटे 50,000 जोड़ा केस आ जी नवा आया पिछले 24 घंटे। तो इस तो बाद भी गल करिए रोबर्टो स्पिरांसा जी की रोबर्टो स्पिरांसा जी जोड़े है वह कह रहे हैं भी इटली में इस वक्त 40 मिलियन तो वह जोड़े ऐसे लोग आ जिन्होंने अपने फोन ग्रीन पास जोड़े आ डाउनलोड कर लिया आ तो 40 मिलियन मतलब भी 4 करोड़ लोगों ने जो ऑलरेडी जो डाउनलोड कर लिया है फोनों के अपना ग्रीन पास तो बाकी जो रह गए हैं उन्होंने जल्द वैक्सीन लगने हैं कई जो वैक्सीन की प्रोसैस चल रही है तो हौली हौली सारे जो ग्रीन पास जोड़ा देता जाना है। इस तो बाद भी गल करिए ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त हालात जो खराब आ सिडनी के जोड़े अभी लॉकडाउन लगा पाया है तो उत्थे जी सरकार है हम जी उ नैशनल जी एमरजेंसी जी लगा लगी है 1 महीने तकरीबन लॉकडाउन उत्थे चलता पिया आ तो सरकार ने जिहड़ा अज्ज फाइनली बयान कर दिता आ उन्होंने कहा भी जो असीं लॉकडाउन लगाया इस लॉकडाउन का सानूं कोई फायदा नहीं होया लॉकडाउन के बावजूद भी साडे जिहड़े कंताजी आ नहीं रुक रहे जिहड़े हैगे डेल्टा वेरियंट दे तो इस करके असीं जिहड़े आ नैशनल एमरजेंसी जिहड़ी आ लाउण लगे आ जिहदे विच इह होणा आ भी असीं जिहड़े आ फ्लाइट्स उत्ते भी असर पै सकदा आ। इस तो अलावा बाकी न्यूजीलैंड जिहड़ा आ न्यूजीलैंड ने भी जिहड़ी इह गल कीती है न्यूजीलैंड ने कहा भी जिहड़ियां उन्हां दी जिहड़ियां फ्लाइट्स जांदियां आ ऑस्ट्रेलिया दे नाल वो जिहड़े आ उन्हां सस्पेंड करन लगे आ।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਸਪੈਂਡ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਸ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਪੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਜੀ ਉਹ 80% ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ 40,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੀਚਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਹੋਰ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਈ ਆ ਹੁਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਰੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦ ਮਾਰੀ ਆ, ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਵੀਆ ਓਸਤੀਨੇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਕਰਮਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੀਦੋ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਾਲਾਨੀਆ ਅਤੇ ਤੌਰ ਦਾ ਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਅਗਲੇ ਮੋਹਰਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਆਉਣਾ ਆ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਗਰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ 35 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ 4200 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 4200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ 45,375 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ, ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫੈਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਬੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਰੁਕ
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਤੂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਪੈਣੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2022 ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿਸ ਕਰੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਓਰਲ ਟੈਸਟ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਓਰਲ ਪੇਪਰ ਪਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਜੋਤ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤੂ ਰੀਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਤੂ ਰੀਤਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੇਰਸਾ ਮੇਦੀ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 2,37,000 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ 5,143 ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ 1200 ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ 58,752 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 63.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।